अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे इंशाल्लाह। और काफ़ी दिनों बाद आज मैं ग्रॉसरी हॉल लेकर आई हूँ। और बीच बीच में तो ग्रॉसरी वगैरह हम करने जाते ही थे, लेकिन बस इस पर वीडियो बनाना थोड़ा मुझे मुश्किल लगता है, क्योंकि सबसे पहले तो ये होता है कि आप लेके आते हैं ग्रॉसरी चीज़ें, फिर आप लोग उसे फ्रिज या कैबिनेट्स में सेट करने के बजाय आप लोग उसे फिर हम लोग जो ब्लॉगर्स होते हैं उन्हें पूरी सेटिंग करनी पड़ती है और वीडियो, फिर उसके बाद दोबारा हमें उन्हें उनकी चीज़ों ठिकानों पर रखना पड़ता है। तो टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, यहाँ पर वेजिटेबल और फ्रूट मैंने यहाँ रखा है और कुछ मैंने यहाँ रखा है, राइट? तो खैर, इस लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। एप्पल्स में लेके आई थी और फिर मैं ये लाई हूँ सब्ज़ियाँ, जिसमें बहुत देखकर जब हम लोगों का दिल करता है फ्रूट्स का, मैं तो फ्रूट खाने की बहुत चोर हूँ, मैं बिल्कुल नहीं खाती, लेकिन जब भी मैं ग्रॉसरी करने जाती हूँ मैं सबसे ज़्यादा फ्रूट ही लेकर आती हूँ। देखकर बहुत अच्छा लगता है वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को कि हम जाएंगे, बनाएंगे, खाएंगे। एनी हाउ, ये मैं लाई हूँ सोए और ये मैं लाई हूँ जिरजिर। जिरजिर पालक की तरह ही होती है लेकिन ज़रा कड़वी सी होती है, बहुत मज़े की होती है। वन बॉयल, टू बॉयल, इसे देखकर फिर आप बना लें, मैं आपको बताऊँगी इसका तरीका। खैर, ये है जी मेथी। आलू और मेथी मुझे बहुत पसंद है, इंशाल्लाह कल में एक टाइम मेथी आलू बन जाएंगे, एक टाइम सोए जिरजिर और ये धनिया पुदीना है तो सोए और जिरजिर आलू के साथ बन जाएंगे। तो ये मैं लाई थी धनिया और पुदीना, बहुत फ्रेश था, आप लोग देख सकते हैं, पुदीना भी मैं लाई थी। तो योगर्ट, तीन बकेट्स आ गई हैं बाय मिस्टेक। एक्चुअली हुआ क्या कि मेरे हस्बैंड ट्रॉली लेके अलग ग्रॉसरी कर रहे थे और मैं अलग कर रही थी, बेटा मेरे साथ था, तो हम लोग अलग अलग निकल गए। तो टू बकेट्स मेरे हस्बैंड ने रख ली, वन मैंने। नेवर माइंड, योगर्ट मेरे घर में हमेशा से बहुत ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि मैं योगर्ट हर चीज़ के साथ खाती हूँ। फिर हम्मस लाई हूँ मैं अलमराई का, ये ट्राई करते हैं कैसा है, मैंने बहुत अच्छे रिव्यूज़ सुने हैं, तो देखने में तो इसका कलर वगैरह इस तरह अलमराई की चीज़ों पर नो डाउट वो अच्छी ही होती हैं टेस्ट में। फिर कस्टर्ड लाई हूँ मैं वनीला फ्लेवर का, मैंने ट्राइफल बनाना है और कस्टर्ड का बहुत दिल कर रहा था कुछ दिनों से, तो ट्राइफल या प्लेन कस्टर्ड जेली के साथ अच्छा लगता है। तो ये है जी अलमराई की सैंडविच, चीज़ स्लाइसेस बर्गर्स वगैरह में डाल लेते हैं। एंड अगेन सेम अलमराई की चीज़, बट दिस इज़ लो फैट चीज़ स्लाइसेस। ओके, चने की दाल लाई हूँ मैं वन पैकेट, क्योंकि मैंने चने की दाल मेरे पास मुझे लग रहा था कि थी और आज मैंने चेक की तो मुझे नहीं मिली, ख़त्म हो चुकी है। ये मैंने शामी कबाब बनाने के लिए लाई है, चिकन ब्रेस्ट पीसेस वगैरह सब कुछ है, ये नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली मैं कल स्टार्ट करूँगी। नूडल्स, रात बल्कि आधी रात को जब मुझे भूख लगती है, साथ मेरा पार्टनर, मेरा बेटा, हम दोनों कुछ ना कुछ, हम लोगों को आधी रात को भूख लगती है तो नूडल्स ही मैं ज़्यादातर बना लेती हूँ। रात कल रात भी मैंने ये किया था। तो ये मैं टू पैक्स लाई हूँ। ये हैं जी चिप्स, मुझे भी बहुत पसंद है और मेरे बेटे को भी, तो ये चिप्स हैं सॉल्ट एंड विनेगर, बड़ा मज़े का टेस्ट है इसका। यहाँ आ जाते हैं, ये हैं जी ग्रेप्स और ग्रीन वाले हैं, तो हमेशा मीठे होते हैं, दो तीन दफ़ा ऐसा हुआ कि बहुत ज़्यादा कड़वे थे तो वो तो खाए भी नहीं गए, आप यकीन कीजिए, थोड़े डेज बाद मैंने वो डिस्कार्ड कर दिए थे। तो ये है जी, ये छोटे छोटे जूसेस आपको नज़र आएंगे, ये मेरा बेटा है तो वो बस ट्रॉली भरता जाता है, वहाँ भी पीता है और घर भी लाता है, काफ़ी सबसे पहले भाग कर ना वो जूसेस वाले कॉर्नर पर जाता है। तो ये है जी जूस, ये मेरा भी बड़ा मज़े का मुझे लगता है, कीवी फ्लेवर का है। तो ये मैं लाई थी ऑलिव्स, हर चीज़ में डल जाते हैं आपको पता है, ज़्यादातर तो हमारे घर जो ऑलिव्स ऑमलेट में मैं डालती हूँ। और चिकन पड़े थे लेकिन मैंने कहा एक फ्रोज़न लेके चलें, कभी होता है कि आप फुल चिकन जो होता है ना वो बना लेते हैं,
आजकल वैसे भी मेरे माइंड में बहुत रेसिपीज़ आ रही थी, दिल कर रहा था ये भी बनाऊं वो भी बनाऊं, तो ये लाई थी मैं। बहुत दिनों से सोच रही हूँ अब बेबी के बाद कुछ वेट कम करने का, लेकिन खैर आप लोग देख सकते हैं मेरी हेल्दी स्नैकिंग। बाय द वे इट्स नॉट हेल्दी। ये भी जी केक है, ये भी केक है, और जी चीज़ है, हम्मस है, क्या है, ट्राइफल की चीज़ें हैं। ये मैं लाई थी रोल केक, मेरे मोस्ट 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 फेवरेट हैं। टू पैक्स मैं हमेशा लाती हूँ, लेकिन एक पूरा खा जाती हूँ और दूसरा रखती हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि चलें दूसरा लाऊंगी वो भी खाया जाएगा, तो एक ही लेकर चलते हैं। ये वाला भी बहुत मज़े का है, चॉकलेट केक बार। अच्छा ये मैं लाई थी अमेरिकाना के चिकन बर्गर्स, तो ये जी हैं क्रोसेंट्स, और चॉकलेट टेस्ट इसमें आ रहा है, चॉकलेट की ये क्या कहते हैं, मेरे माइंड से निकल गया, चॉकलेट के ऊपर बार्स बार्स हैं, ग्रेन्स। तो शान का बिरयानी मसाला मैं लाई थी, क्योंकि शान के बिरयानी मसाले पड़े थे, लेकिन बिरयानी मसाला हर हमेशा चाहिए ही होता है, ख़त्म में नहीं होने देती घर से, क्योंकि पुलाव में भी मैं थोड़ा बहुत डाल देती हूँ और बिरयानी मेरे घर ज़्यादा बनती है। फ्रूट कॉकटेल मेरे बेटे को पसंद है, सॉल्ट, और ये फिर जूसेस, ऑरेंज फ्लेवर, मिक्स फ्रूट, और ये बेरीज, पाइनएप्पल, एंड दिस वन इज़ मैंगो। तो यहाँ पर जी ये फ्रेश मिल्क, और ये है जी लबन, लस्सी। लस्सी का भी मैंने कुछ सोचा हुआ है, दो तीन दिन से चाहिए थी, लेकिन बस निकलना नहीं हो रहा था और हस्बैंड को बताया भूल जाती थी, तो खैर लस्सी के मैं बनाऊंगी दही बड़े और आप लोगों से शेयर करूंगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट है ये बैंडेज। बैंडेज जब से मेरा बेटा हुआ था फर्स्ट वाला, तब से घर में बैंडेज नहीं ख़त्म हुआ। ये नहीं कि मैं नहीं ख़त्म होने देती, वो नहीं ख़त्म होने देता, उसे ज़रा सा लग जाए, उसे स्क्रैच का निशान आए, यानी वो बैंडेज ज़रूर लगाता है। तो एक बैंडेज लाई हूँ वेजलीन, और ये न्यू है, देखें जर्म सेफ, और ये वाला आप देख सकते हैं 2-in-1 स्किन मॉइस्चराइजिंग प्लस जर्म प्रोटेक्शन, और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। टूथपेस्ट, टूथब्रश, टूथब्रश पड़े थे आज ही मैंने निकाले, लेकिन मेरे हस्बैंड को घर में अगर कोई चीज़ ना ख़त्म होने वाली चीज़ों में कुछ लिस्ट है, तो वो टूथब्रश वगैरह भी ख़त्म नहीं होने देते, तो वो लाए हैं। और ये है जी नादिक का फिर एक और जूस, और ये फ्लेवर्ड योगर्ट्स हैं, मेरे बेटे के मोस्ट फेवरेट हैं। पांडा से हम लोग दो तो ज़रूर लाते हैं, आज जो मैं देख रही हूँ मेरे हस्बैंड सिर्फ एक ही लाए हैं, वैसे ये शॉर्ट भी हो जाते हैं पांडा से। और अगेन फिर वही चिप्स, और उसी में ये एबीसी, ये है केचप फ्लेवर, या आप लोग देख सकते हैं केचप फ्लेवर ये वाले चिप्स हैं, और ये वाले बहुत मज़े के चिप्स हैं, बहुत जो बहुत कम मिलते हैं पांडा वगैरह में मिलते हैं, और बहुत मज़े का इसका ना अनियन वाला फ्लेवर आता है। ये मैं लाई हूँ लोरियल का डाई, मैंने काफ़ी टाइम से डाई नहीं किया, तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं कुछ डाई वगैरह करूं। हालांकि लास्ट टाइम मैंने पाकिस्तान जब मैं गई थी, और उस टाइम मैंने हाइलाइट्स, कटिंग, पूरा एक पैकेज लिया था बेस कलर के साथ हाइलाइट्स का, और उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि मेरे बाल डैमेज भी हुए हैं। मैंने बहुत अच्छे सैलून से कराया था, लेकिन सूट करने की भी बात है, लेकिन फिर मेरा दिल कर रहा है, सो ये लाई हूँ। और ये हैं जी बन बर्गर के, और ये मुझे ये साइज़ अच्छा लगता है, आप लोग देख सकते हैं, मतलब एक तो मिनी बर्गर्स हैं वो भी बहुत अच्छे रहते हैं, और ये मीडियम साइज़ है, मुझे बड़े नहीं अच्छे लगते बन्स। तो एप्पल ये येलो वाले, और ऑरेंजेस, बनाना, ये बिस्किट्स हम लोग चाय के साथ ज़्यादा खाते हैं, और मेरा बेटा ये बड़े शौक से खाता है मैरी बिस्किट्स, हम लोग ये पूरा ही लेके आ जाते हैं पैकेट। और आपको तो पता है कि चाय के साथ काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो घर में बस पड़ी रहे ना, जैसे बिस्किट्स हो गए, कुछ समोसे रोल्स हो गए, ऐसी चीज़ें। तो आज मैं अपने ब्लॉग में
वॉइस ओवर नहीं कर रही, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, लेकिन ये मेरे लिए इतना सूटेबल नहीं, कभी बच्चे बीच में बोलते हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादातर वॉइस ओवर ही करती हूँ। अच्छा, ये जी मैं लाई थी बैंगन, और बैंगन का मुझे ना दिल कर रहा था बनाने का, बैंगन का भरता। और ये जी लेमन, अगेन एप्पल्स, एप्पल्स मैं अपने बेटे को रोज़ माशाल्लाह वो खा लेता है, तो एप्पल्स मैं बल्क में लाई हूँ। ऑरेंजेस, ऑरेंज मैं इसलिए ज़्यादा लाई हूँ क्योंकि हम ऑरेंज का फ्रेश जूस बनाते हैं, और फिर बनाना मिल्क शेक वगैरह में काम आ जाएगा। तो ये है जी मेरी आज की ग्रॉसरी, जिसमें ये जी लास्ट में एक तो मैं लाई हूँ ये पैंडा की डिश वॉशिंग सोप लाई हूँ लिक्विड, और ये क्लोरोक्स लाई हूँ, बेस्ट है वाइट कपड़ों के लिए, फ्लोर क्लीन मुझे ज़्यादा मॉपिंग और वॉशरूम वगैरह की सरफेस क्लीन करने के लिए बेस्ट लगता है। पिछले बड़े अरसे में इसने मेरे बड़े कपड़े तबाह किए, कहीं ना कहीं उसके स्टेन्स रह जाएं और कपड़े ख़राब हो जाएं, लेकिन फिर भी ये बेस्ट है वॉशिंग के लिए। फ्लोर्स वगैरह पहले मैं लाई थी, लास्ट टाइम मैंने ग्रॉसरी की थी मैं लाई थी जिफ, ये मुझे नहीं अच्छा लगा, हालांकि जिफ के जो सरफेस क्लीनर्स वगैरह हैं दे आर द बेस्ट, बट जिफ डिश वॉश नहीं अच्छा लगा मुझे। फेयरी अच्छी लगती है, ये इससे भी ज़्यादा फेयरी अच्छी लगती है, लेकिन आज मेरे हस्बैंड और मैं बता रही हूँ कुछ चीज़ें उन्होंने ले ली, कुछ मैंने, तो कुछ अलग अलग आ गया। सो आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और इंशाल्लाह और ब्लॉग्स के साथ मैं आऊँगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और ये जी देखें यहाँ पर मेरा बेटा स्टार्ट हो गया सामान रखने से पहले, तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।